मैथानोल और मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। सबसे पहले इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं, वो ये है कि मैथानोल इन द प्रेजेंस ऑफ द डिहाइड्रोजनेज कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फॉर्मल्डिहाइड एंड फार्मिक एसिड। ये फार्मल्डिहाइड और फार्मिक एसिड जो बॉडी में जमा होते रहते हैं और ये अपने इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं साइन एंड सेप्टम की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें नाम से क्या मिलता है। तो एक नाम है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल एम से शुरू हो रहा है, एम से हम मेटाबॉलिक कर लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल ए से शुरू हो रहा है, ए से हम एसिडोसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल की पॉइजनिंग में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगा? ड्यू टू द अकॉमुलेशन ऑफ द फार्मिक एसिड। ठीक, फिर हम दूसरे नाम की तरफ आते हैं मैथानोल। ठीक है, मैथानोल एम से शुरू हो रहा है, एम से हम अभी हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर लिया, एम के बाद ई है, ई से हम आई करते हैं। तो ये मैथानोल आई को इफेक्ट करती है, आई को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से ब्लर्ड विजन, ब्लाइंडनेस, फोटोफोबिया, ऑप्टिक न्यूराइटिस, रेटिनल एडिमा और मिडरियासिस वगैरह डिवेलप हो जाते हैं। ठीक है, मैथानोल पॉइजनिंग की केस में आई एक अहम पॉइंट होता है, ये आई को अफेक्ट कर टी एच और ए एन पे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम टी को जो लास्ट एन है इससे इफेक्ट इससे मिला लेते हैं, टी को एन से मिलाते हैं, एच को ए से मिलाते हैं, टी एन ट्यूबुलर नेक्रोसिस, तो मैथानोल पॉइजनिंग में ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, और एच ए एच फॉर हीमोलाइटिक, ए से एनीमिया, इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया डिवेलप हो जाता है। ठीक है, फिर हम सेकंड लास्ट जो लफ्ज़ है हमारा ओ ऑक्सीजन, ओ पे आते हैं, ओ से ऑक्सीजन कर लेते हैं, तो रेस्पिरेशन उसको अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से डिस्पिनिया और साइनोसिस वगैरह डिवेलप हो जाता है। ठीक है, मैथानोल में एंड में एल है, एल से मुराद लीवर, ये लीवर को डैमेज करते हैं, ठीक है, वो कर लेते हैं। फिर हम वन सेकेंड दूसरे नाम पे आते हैं, मिथाइल अल्कोहल अल्कोहल होती है, क्योंकि मैथानोल अल्कोहल होती है, अल्कोहल के ए से हमने एसिडोसिस किया था, एल से हम लीवर कर सकते हैं, एल के बाद सी है, सी से कंट्रैक्शन, इसमें कंट्रैक्शन डिवेलप हो जाती है जीआईडी ट्रैक की। ठीक है, एल की शेप आई से मिलती है, तो आई से हम इंटेस्टाइनल, सी से कंट्रैक्शन, इसमें इंटेस्टाइनल कंट्रैक्शन हो जाती हैं, और इंटेस्टाइनल कंट्रैक्शन इज़ द डायग्नोस्टिक ऑफ द मैथानोल पॉइजनिंग। ठीक है, ये कंट्रैक्शन स्मॉल बाउल में भी हो सकती हैं, लार्ज बाउल में हो सकती हैं, या दोनों में भी हो सकती हैं, और इनकी जो शेप होती है वो थिक पाइप ऑफ वेरी नैरो ल्यूमन की तरह हो जाती है। ठीक है, फिर हम चलते हैं बाकी साइन एंड सिम्टम की तरफ। वो इतने ज़्यादा हाई यील्ड नहीं है, मतलब सीएनएस को इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये अल्कोहल है, जिसकी वजह से हेड एक, नेक स्टिफनेस, वर्टिगो, कन्फ्यूजन, कोमा वगैरह डिवेल्प हो जाएगा। इसके अलावा जीआईटी को इफेक्ट करेगा, तो पी से पॉइजन, पी से पेन है। इसके अलावा हमें पता है वो, क्योंकि हम इंजेस्ट करते हैं तो वो मीटिंग हो जाती है, एक्यूट पैंक्रियाटिस वो भी डिवेल्प हो सकता है। फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, सबसे पहले हम स्टमक वाश लेते हैं। स्टमक वाश किसके में किसको इस्तेमाल करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ करेंगे, स्टमक वाश में सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन को यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम एंटीडोट के तौर पर किसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एथेनॉल इज एंटीडोट। एथेनॉल एंटीडोट क्यों होता है? क्योंकि वो मैथेनॉल की मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, जो एंजाइम होता है वो एथेनॉल की मेटाबॉलिज्म करने लग जाता है। ठीक है, फिर हम क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो गई थी, तो एसिडोसिस को ओवरकम करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं? इसके अलावा हम हीमोडायलिसिस वगैरह या पेरिटोनियल डायलिसिस वगैरह वो भी कर सकते हैं, जो सपोर्टिंग मेजर होती हैं, मसलन के हमने स्ट्रांग लाइट से दूर रखना पेशेंट को, वो हम करते हैं। फिर हम पोस्टमार्टम फाइंडिंग में आते हैं। सबसे पहले यही है कि साइनोसिस डेवलप हो जाती है। इसके अलावा ब्लड किस तरह होता है? डार्क होता है। आईज़ के अंदर अभी हमने डिस्कस किया न्यूरोपैथी, ऑप्टिक एट्रोफी एंड रेटिनल एडिमा वगैरह डेवलप हो जाता है। लीवर के अंदर नेक्रोबायोसिस हो जाती है। किडनी के अंदर ट्यूबुलर डिजनेशन हो जाती है, ये भी हमने किया है। जीआईटी म्यूकोसा भी इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लंग के अंदर एडिमा डेवलप हो जाता है। एल्वियोलर एपिथेलियम उसको इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा सेरिब्रल और पल्मोनरी एडिमा भी हो सकते हैं।